स्वागत है आपका आज की इस खास जगमगाती झिलमिलाती शाम में। खास इसलिए क्योंकि आज कोई आम बुधवार नहीं, आज है साल का आखिरी बुधवार। तो साल के इस आखिरी बुधवार में आपके पसंदीदा शो पर हाजिर है हम, आपके दोस्त। मैं हूं अनु। और मैं हूं अलका। नमस्कार। और जैसा अनु तुमने कहा कि आखिरी बुधवार है, भाई धमाके का टाइम आ गया है, जश्न का टाइम आ गया है, नए साल की रौनक सिर्फ यही नहीं, इट्स राउंड द ग्लोब, हर कोई जश्न में डूबने के लिए तैयार बैठा है। और इसी स्पिरिट को क्यों ना हम भी आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक कह रही हो अलका। और वैसे भी देखो ना, अपने दर्शकों की सेहत का, उनके करियर का, बाकी सारी चीजों का ध्यान तो हम रखते ही आए हैं, तो आज हो जाए कुछ अलग, कुछ स्पेशल, कुछ रॉकिंग। बिल्कुल रॉकिंग रहेगा। और जश्न की तुमने बात की तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज को लेकर बता देती हूँ, आज की तारीख को लेकर। आज है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार जतिन खन्ना का बर्थडे। और सिर्फ उनका ही क्यों, उनकी एक्ट्रेस बेटी का बर्थडे भी आज ही अनु। एक मिनट अलका, एक मिनट, तुम बात कर रही हो जतिन खन्ना जो कि सुपरस्टार है, मैं इस नाम के किसी सुपरस्टार को नहीं जानती, और उनकी बेटी का बर्थडे गेस करना है। 180 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की हैं और सुपर हिट्स उन्होंने दिए हैं। बिलीव इट अलका, प्लीज। आई श्योर अनु के तुम काका को नहीं जानती हो। Oh my God, here we go. Happy birthday. बात मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों, तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ पिए जाए शाम, मस्तानी मदहोश पिए जाए। आज के शो पर हम इनवाइट करें अपने पूरे साल भर के ऐसे दो खास मेहमान जो बहुत सुरीले थे, बेहद प्यारे थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। ओ, मेरे ख्याल से मैं समझ गई हूँ आपका इशारा किधर है। तो क्यों, मुझे लगता है कि एक भी सेकंड अब वेस्ट करना बिल्कुल ही गलत होगा और हमारे दर्शक भी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अपने रॉकिंग गेस्ट से मिलवा दिया जाए। बिल्कुल, तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे दो बहुत ही खास मेहमान। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिंगर वीरेंद्र विज और आपके साथ है रमन कपूर। वेलकम टू इवनिंग लाइव शो। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं आप देखें ना तो मैं तो अभी तक राजेश खन्ना के वो गाने जो इतने खूबसूरत गाने चले ना उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी म्यूजिकल हिट्स दी हैं, तो कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप दोनों को ही बहुत पसंद हो? वो एक 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 तरह से एक लेजेंड्स हैं हमारे इंडस्ट्री के। हाँ जी बिल्कुल, उनके तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स ही हैं जो बहुत सुपर हिट है। मगर हाँ जी कपूर साहब आप कुछ गुनगुनाएंगे? बिल्कुल करें, इकट्ठे करते हो जाए। चलो उनका एक सॉन्ग है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि आज साल का आखिरी बुधवार है और हम यहाँ बात कर रहे हैं साल 2010 की, जो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छा रहा। रमन जी अगर हम आपकी बात करें, साल 2010 आपके लिए काफी रॉकिंग रहा, बहुत बढ़िया आपकी एल्बम आई, तो बताइए अब क्या तैयारी है नए साल की? नए साल की दो जबरदस्त तैयारियां हैं। एक सूफियाना एल्बम जी, सूफी गाने हैं उसमें, और दूसरी एक पंजाबी जिसमें रॉकिंग सॉन्ग्स भी हैं जी और रोमांटिक भी है और मैसेज वाले भी हैं। ओके, सो दीज टू एल्बम्स, आई एम डिलाइटेड विद द एल्बम्स, दे आर वेरी गुड। और अगले साल मतलब इन अ फ्यू डेज वी आर इन द न्यू ईयर, तो दोनों को रिलीज करेंगे वन आफ्टर द अदर विद अ गैप ऑफ अबाउट 6 वीक्स। उनमें से आपका प्यारा चहेता गाना कौन सा है? थोड़ा सा ग्लिम्स तो आप दे ही सकते हैं। जो सूफियाना है उसमें है जो फेवरेट गाना है वो है मौला। ऐसे नहीं, हम चाहेंगे कि आप हमें गुनगुना के सुनाएं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं। और वैसे भी आज की शाम हमने खास संगीत को डेडिकेट की है, तो प्लीज हो जाए। बिल्कुल हो जाए। मौला मौला सुन साईं मौला, मौला 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 सुन साईं मौला, मौला ना मंजिले मगर
तमाशा है नमाशा है, ये दुनिया अजब तमाशा है। इश्क जनू बढ़ता गया सर चढ़कर मेरे बोला मौला मौला सुन साई मौला मौला। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और अलका मुझे लगता है कि हम लोग लकी हैं कि बाकी सबसे पहले हमें वो सुनने को मिल गया। 35 साल के बाद जब आप अपने वतन लौटे तब शुरुआत हुई आपके एक नए करियर की, सिंगिंग करियर की। और आपने 2010 में रिलीज करी अपनी एल्बम जो काफी सराही गई, मूला के नाम से आपकी एल्बम आई थी, प्लीज इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। मूला के नाम, ये बात वैसे तो पुरानी है जी, पर अभी भी नई है, क्योंकि जो भी मुझे मिलता है जी, गाने की बात कम, म्यूजिक की कम, असल बात उनको लगती है कि भाई इस उम्र में आपने ये काम शुरू किया है, तो ऑफ कोर्स इट्स इंटरेस्टिंग। तो जब ये एल्बम बनाई लवली कुड़ी, जिसमें ये गाना मूला है, इसकी हमने शूटिंग की बैंकॉक जाके, गाना बॉम्बे में रिकॉर्ड किया था, और टपोरी गाना है, फन सॉन्ग, और जो इसके बोल हैं, जेब में जब तक कड़की है ना पास में कोई लड़की है, दिन में धक्के खाते रात को गिटार बजाते, किस्मत अपनी चमक गई जब पास में आया मूला मूला मूला, मैं सारे गम भूला 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 भूला। सो ये एक फन सॉन्ग है, ग्रेट सॉन्ग। जेब में जब तक कड़की थी ना पास में कोई लड़की थी, जेब में जब तक कड़की थी ना पास में कोई लड़की थी, दिन में धक्के खाते रात में गिटार बजाते थे, किस्मत अपनी चमक गई जब पास में आया मूला 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 मूला, मैं सारे गम भूला 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 भूला, मैं सारे गम भूला 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 भूला। रमन जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, देखने में भी उतना ही मजा है जितना सुनने में। तो आप जब एक नया आर्टिस्ट कुछ नया एल्बम लेके आता है तो सब हर किसी की निगाहें उस पर लगी रहती हैं, और आपको भी लगा होगा कि भाई कैसा फीडबैक मिलता है। इनफैक्ट आपके लिए शायद ज्यादा रहा हो, क्योंकि एक तरफ आवाज असेस की जा रही थी, दूसरी चीजें देखी जा रही थी, दूसरी तरफ एक एज फैक्टर भी था जो आप बता रहे थे। कुछ इंटरेस्टिंग फीडबैक्स आप शेयर करना चाहें लोगों के? बस यही है कि हर एक इंसान यही पूछता था, पहले तो कहते थे कि पहले कहां था, why did you start so late? But you know things happen when they have to happen. Yeah, exactly. It's and never too late. and I really say, I am actually, I feel an inspiration to some of my friends, which I'm very proud to be. क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अगर जो तूने इस उम्र में किया है तो अब हमारा भी दिल करता है कुछ करने को। पर सीरियसली मिस्टर कपूर, आपको देख के ऐसा लग रहा था यू आर लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार इन दिस एल्बम, इन दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। तो कुछ एक्टिंग वगैरह का भी है, कुछ आगे ये भी सोचा है? आगे पता नहीं, पर पहले सोचा था लॉन्ग टाइम अगो बचपन में। अभी वेल पॉसिबल, वाई नॉट, कभी अगर जो कहीं मौका मिल जाए तो वाई नॉट। ग्रेट। तो हम लोग रुपये पैसे की बात कर रहे थे, और हर रोज 5 से 6 DD1 पर। तो खूब मस्ती धमाल हो रहा है, और इस मस्ती भरी म्यूजिकल शाम में हमारे साथ वरिंदर विज हैं और रमन कपूर जी हैं। रमन जी, आप बता रहे थे हमें कि 2010 तो कितना बेहतरीन रहा है आपके लिए, इतनी बढ़िया आपकी एल्बम रही, इतना लोगों ने उसको पसंद भी किया, लेकिन अब आप एक नई एल्बम या हालांकि दो एल्बम लेके आने वाले हैं 2011 में। तो आपने जो थोड़ा सा टीजर दिया उससे हमारी प्यास बुझने के बजाय, और थोड़ा सा आप बता दें कि और एल्बम में क्या रहने वाला है, क्या खास गाने रहने वाले हैं? दूसरी एल्बम पंजाबी एल्बम है जी, और उसमें हर किस्म के गाने हैं, व्हाट यू से सॉन्ग वैरायटी है, और एक उसमें मैसेज सॉन्ग है, थोड़ा सा आप गुनगुनाते हैं अगर? डॉलरां दी पुख, ये मैसेज है, क्योंकि हिंदुस्तान से हर स्टेट से बहुत लोग परदेश जा रहे हैं, और आजकल हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है जी, राइजिंग इंडिया। तो ये मैसेज बेसिकली फॉर द
पंजाबीज, क्योंकि पंजाब के तकरीबन हर खानदान से एक या दो या तीन शख्स बाहर चले गए हैं और वो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीनर पास्चर्स. तो अवर रिक्वेस्ट टू देम, अवर मैसेज टू देम इज कि हमारी मिट्टी जो है वो आपको बुला रही है, तो आप प्लीज वापस आइए. प्लीज सुनाए. ये गाना मैं आपको गा के सुना देता हूँ. मैसेज है जो इतना खूबसूरत मैसेज है, जरूर लोग इसको समझेंगे और आपकी बात को मानेंगे. ये तो हमने बात करी आपकी इस नई एल्बम की, लेकिन अगर हम बात करें आपकी इंस्पिरेशन की, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें इस कदर इंस्पायर कर देती हैं कि हम लिखना कुछ और चाहते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं और शायद कुछ और ही हो जाता है. तो क्या कभी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? बिल्कुल हुआ है. बताइए. और वेरी रिसेंटली जब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही थी तो दिल्ली में टोटल नेगेटिविटी, यू नो, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि स्विमिंग पूल में पानी होना चाहिए और ड्राइंग रूम में पानी आ गया है जहां पर भी वो विलेज बना हुआ है, और कहीं दीवार गिर गई है, गंदगी है. सो आई फेल्ट के इतना मतलब माहौल जो है, देयर इज नो स्पिरिट, यू नो, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स फॉर आर कंट्री. एग्जैक्टली. के वी आर होस्टिंग अ गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स. तो मेरे मन में विचार आया कि टू लिफ्ट द स्पिरिट ऑफ द दिल्लीआइट्स स्पेशली एंड वेलकम द विजिटर्स, द प्लेयर्स एज वेल एज द विजिटर्स. तो आई विजिटेड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु राइट्स इन हिंदी ऑल्सो. तो मैंने कहा ये मेरा प्रोग्राम है, तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड ही रोट द सॉन्ग. हिज नेम इज विश्वजीत, डियर फ्रेंड, लवली वर्ड्स ही रोट. और बलविंदर आसी जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं आजकल, वो सूफी गाने भी वही कुछ लिखते हैं और म्यूजिक भी देते हैं, तो उन्होंने इसको कंपोज किया. तो दिस इज नॉट एन इंडिया सेंट्रिक सॉन्ग, यू नो, इट इज नॉट ओनली टू चेयर योर ओन कंट्री, इट इज अ जनरल सॉन्ग फॉर एवरीबॉडी. तो आई टेल यू, मिलके खेलेंगे यहां और मिलके हंसते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यादें मीठी मीठी संग लेकर यहां से जाएंगे जाएंगे. अजनबी से जो आए थे दोस्त बन के वो जाएंगे, चारों दिशाएं सुनहरी सी, हवा में खुशबू है महकी सी, जश्न है माहौल है क्या बात है, आसमां की बुलंदियों पे आज है सारी दुनिया ये देखे,
मिलजुल के खेलेंगे हम, मिलजुल के खेलेंगे हम। वाह वाह, इतना खूबसूरत सॉन्ग। और अनु, मैं एक चीज महसूस कर रही हूँ कि माहौल में एक अजीब सा एक यू नो झील है, इतना मजा आ रहा है, कुछ एक मस्ती सी भर गई पूरे माहौल में। और शायद ये असर इसका है कि दो पंजाबी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया गा रहे हैं। तो भाई आप कुछ आर्टिस्ट ना, ये इंस्पिरेशन जैसे आप बात कर रहे थे, कितना इन्फेक्शुअस है कि हमें लग रहा है कि हम दोनों भी अब एल्बम निकाल सकते हैं। बिल्कुल।